हेलो जी, राम राम। किसे हो जी आप सब? उम्मीद करूँ हूँ बढ़िया होगे। मैं रितु आप सबका अपने चैनल रितु स्वैंक में हार्दिक स्वागत करूँ हूँ। तो जी आज 8 तारीख है और संडे है, तो आज बच्चा के स्कूल में है पीटीएम। तो मेरी याद ना थी, मैं गई थी भूल और 12 बजे मेरा अचानक तो याद आया कि पीटीएम है। फिर मैंने इनके पापा के पास फ़ोन करके पूछा कि जाओगे कि आ जाओगे कि ड्यूटी पे थे। फिर बोले नहीं मैं नहीं आन पाऊँगा, मेरा टाइम को नहीं, तू चली जा। तो ही मैं तैयार हो ली हूँ और इब जान लग रही हूँ। 12:30 बज गए हैं, बस आधा घंटा बाकी है, तो फटाफट अपने जाऊँ हूँ और उसके तो भाई वहाँ की क्लिप निकालूँगी। तो मन सोचे एक बार व्लॉग की स्टार्टिंग कर दूँ, बच्चा ना मैं लेकर ना जाऊँ। बच्चे कहें कि क्योंकि कोई कोई बूंद आने लग रही है, तो बच्चे बोले मम्मी आप चले जाओ, तो मैं चली जाऊँ हूँ, मैं ले आऊँगी क्योंकि रिपोर्ट लेकर आनी है, तो मैं जाऊँगी, बच्चे यहीं पर रहेंगे। तो भाई बने रही हो व्लॉग में लास्ट तक। तो ये बाप देख लो जी, मैंने जी साहब तो बताया कि मैं बच्चा ना आज नहीं लेकर जा रही, तो ये बच्चा ने पता चल गया था कि मम्मी तो पीटीएम में जावे है। देख लो खुशवीक कितनी जल्दी कर रहा है जाने के लिए, क्योंकि खुशवीक कन्यू है कि भाई मम्मी जावे है तो मैं भी जाऊंगा साथ में, और आज मैं ही लेकर ना जान लग रही मगर, क्योंकि के कोई कोई बूंद आवा है कि पता तेज़ भी हो जा तो न्यू करके न। फिर भी मैं इसने रोते ने छोड़ कर चली गई थी, मगर थोड़ी देर रोगा। फिर मेरी माँ बोली तू चली जा, मैं आप संभाल लूँगी। तो जी आ गई थी मैं स्कूल में, तो पीटीएम में थे, तो ये थोड़ा आराम कर रहे थे बच्चे भी और मैं भी। कुर्सी पोजीशन आई है निका तेरी? फर्स्ट पोजीशन आई है निका की। अर्शवी तेरी? थर्ड। अनिका के है ना 1 नंबर कट रहा है और अर्शवी के 6 नंबर कट रहे हैं। अर्शवी के ज़्यादा नंबर कटे हैं हिंदी में, मात्रा की मिस्टेक है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक है, छोटी छोटी मिस्टेक मात्रा की बहुत कर रखी है अर्शवी ने, है ना अर्शवी? हाँ। कुछ तेरे कितने नंबर आए? 6 नंबर आए। कितने नंबर का पेपर था तेरा? 6 नंबर का पेपर था। ना बेटा तू तो स्कूल में ना जाता, कब जाओगा? कल जाओगा। ठीक। तो बस ये काम तो बर्तन रह गए थे, क्योंकि बर्तन नहीं करके गई थी, वह बर्तन साफ करूंगी और उसके बाद अपना सूट काटूंगी। करवा चौथ वाला सूट है जो मेरा वो इब तक पड़ा है, सिलया नहीं हर ना एक कटिया है, तो काट कर फिर सिल लूंगी उसने, क्योंकि पहनना भी है, 2 दिन रह गए हैं। उसके बाद वही बच्चे ना नवाए थे आज, फिर मन सोचा इब नवा दूँ ही ना, क्योंकि फिर शाम के टाइम पर ज़्यादा लेट हो जाएंगे और फिर थोड़ी ठंड भी होने लगी, क्योंकि 2 दिन तक बरसात हो है, तो कपड़े ये ऊपर सूखन लग रहे थे। मैं कहा उतार ले आऊँ पहले स्टैंड पे, तो फिर इन्हें नवाऊँगी, तो पहनाने भी चाहिएंगे। तो ये बाकी थी कपड़े उतारने, बच्चे भी साथ में आ गए थे। ये दो तो रखे हैं 2 दिन तक कपड़े, लेकिन सूखे ना थे, वो ही बात है ना, बरसात हो रही है तो सूखे भी कोनी, वैसे तो मशीन में सुखा दिए थे लेकिन फिर भी, और ऊँ भी इब भी इसी बिना धूप लग गए इसे लागे थे जिन्हों इब भी सिल ले हैं। तो कपड़े उतार लिए हैं और भाई यो जो बंद घर है ना, इसमें यह एक समस्या तो रवे है, कपड़े ऊपर ले जाने ले आने ऊपर धोने पड़े हैं, नीचे तो भाई इतनी जगह ही कोनी कि मशीन लगाई जा सके, और फिर सुखाण की भी दिक्कत हो है नीचे, तो ये जो तौलिए हो ना ये भी सुखाण की दिक्कत हो, और फिर बार बार कितने चक्कर ऊपर के लगाऊँ। तो मैंने ऊपर का नया एक रस्सी बांध रखी यहाँ पर सुखा दिया करूँ, तो पंखा चाले ना थोड़ी ही हवा निकल जाए फिर इनमें तो। उसके बाद फिर मैंने ये नवा दिए थे, फिर मकला बेटा थोड़ी कंगी कर दूँ थारे बाला के, तो खुशवीक है ना यो बोला मेरे करो जल्दी, और खुशवीक रोन लाग रहा था। क्यों रोवा था? क्योंकि इसने भाई एक बाहर खेला था एक बच्चा, वो ये पिस्तौल ले रहा था जो आजकल वो पटाखे वाली नहीं होती, उसके लिए रोवा है मम्मी पिस्तौल चाहिए। मैंने कहा मखा बेटा तेरे पापा तो मंगवाऊँगी, मैंने इसके पापा के पास फ़ोन भी कर दिया था, लेकिन बच्चा का तो भाई ऐसा हो है जब तक उसने वह चीज़ नहीं मिल लेना जो वो मांगे तब तक रोएगा। फिर भी इसके पापा आ गए थे, तो फिर बहू झोल रही भाई मारे यहाँ पर शहर ला गया कर, बोले चल वहाँ तो लिया यार बच्चा के स्कूल की यूनिफॉर्म लेकर आनी थी, क्योंकि ठंड डोड़ लग गई तो पूरी बाजू की चाहिए थी, तो ही हम ले आए हैं। तो जी व्लॉग तो मैंने कुछ जितना भी बनाया उतना बना दिया था, फिर मैंने सोचा सूट की कटिंग करने से पहले एक बार आपने मैं सूट दिखा दूँ कि मैंने करवा चौथ पर किसा सूट लिया है, तो वो देखियो ही बाप, सिंपल सा सूट लिया है, सस्ता ही लिया है, ज़्यादा महंगा भी नहीं लिया, क्योंकि ठीक रहा है फिर बाद में ये घर आ पहनने। तो ये देख लो इस तरह का सूट है, ये तो टाई पट्टी आओगी गले पे, पूरा सूट इस तरह का है, इस पर छोटा छोटा सा वर्क हो रहा है,
उस कलर के धागे की कढ़ाई हर सिरोस की लाग रही है और नीचे जोड़ी पर ये बॉर्डर है आगे भी और पीछे भी और सेम बाजू पर है ये वाला, ये बाजू है सेम बाजू पर है। तो यो है मेरा करवा चौथ का सूट, किस तरह से दिखाऊं ये इस तरह से देख लो, ठीक है ना, सिंपल सा। ये कमीज और इस कलर की यह बॉटम है, इसका दुपट्टा बड़ा प्यारा है, दुपट्टे की वजह से लिया था कि मैं थोड़ा कलर भी हो बढ़िया लग गया मैंने, ऐसा कलर मेरे पास ना था ना ही दुपट्टे का कलर था ऐसा मेरे पास। तो ये वाला दुपट्टा पूरा पहनने बाद ना सूट सुंदर लगेगा, ईब तो थोड़ा न्यू लग गया कि बस हल्का सा है। तो ये दुपट्टा है, बहुत प्यारा दुपट्टा है, इस पर भी पूरे पर ये बीच बीच में ये प्रिंट है ना सारा प्रिंटेड होकर ना इस कलर के धागे की कढ़ाई है सिरोस की लग रही है किता किता। तो ये तो हो गया मेरा करवा चौथ का सूट। उसके बाद चूड़ा, ये वाला चूड़ा लिया मैंने आजकल जो ट्रेंड में है ना ये वाला, और अच्छे तरीके से मैच भी कर गया सूट पे और मैंने अच्छा भी लग गया ताकि फिर बाद में घर में भी पहन लेंगे। तो सूट है 1150 का और चूड़ा है 250 रुपये का। और इसके साथ के मैंने इयररिंग्स लिए थे, मैं पहन लूँगी अगर मन करे तो, बाकी मैं पहना बहुत कम करूँ। तो ये वाले लिए थे सिंपल से, मन करे तो पहन लूँगी नहीं तो नहीं पहनूँगी। और इसका गले का सेट यो मैंने आपसे दिखाया ही था जो मेले पर ले कर आई थी, यो भी अच्छा लगेगा तो यो पहन लूँगी। तो ये तो हो गए भाई सूट और चूड़ा, बिंदी और ये भाई जो है एक बिंदी लिपस्टिक नेल पेंट सेम है, तो सूट तो मैचिंग है लगभग। तो ये तो मैंने लिया था सूट और ये मैं दिखाऊंगी आपने, बच्चा की ड्रेस दिखाऊंगी मेरी बाप ने जो मैंने ली थी सूट के साथ है लेकर आई थी मैं, लेकिन बच्चा था मैंने पहना लिया अब तो मैं दिखा नहीं पाई थी। तो ये तो टॉप है अनिका का, वहाँ पर गए थे ना हम रोहतक पीड़िया देन तो वहाँ पर पहना के ले गई थी। तो ये तो टॉप है और ये इसकी कैफरी है, अच्छी ड्रेस थी बहुत, 670 रुपये की आई थी ये भी, क्योंकि कई बार रेट पूछ लिया करे ना। तो ये वाली है और खुशवीक की ली थी या शर्ट, इसने भी पहन ली तो मैं दिखा दूँ एक बार आपने। तो ये वाली तो शर्ट थी खुशवीक की और ये इसकी निक्कर थी, ये लिए थे खुशवीक के। तो शॉपिंग मैंने बाप तक दिखा दी है और जिसा भी ब्लॉग आज का तैयार होया है प्लीज़ पूरा देखियो, स्किप मत करियो। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। और आपने सूट किसा लग गया, और सूट तो ले आई और इब देखो भाई इसे लगा कब तक, क्योंकि दिन बीच में रह गए 3, इब आज तो फिलहाल कटे भी नहीं है, कटिंग भी करनी फिर खुद सिलना तुरपाई के लिए भेजूँगी। तो देखो सूट तैयार होगा या नहीं होगा वो भी देखो। बाकी सूट मेरे पास एक और भी रखा है सिलाया हुआ, वो भी अच्छा सूट है, वो आपने मैं यो तैयार हो जाए उसके बाद दिखाऊंगी भाई कौन सा पहनूँ कौन सा नहीं पहनूंगी, बाकी आपने देखने मिल ले जाएगा। और ये कपड़े पड़े थे बच्चा के साथ में, इन्हें करियो इग्नोर। तो भाई मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए भाई बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।